बारबी फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइव बारबी क्यू की वीडियोस या व्लॉगिंग शेयर करने लगी हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगी। और जो स्पेशली जो हेटर्स हैं, जो पीछे बैठ के मजाक उड़ाते हैं ना, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी, काइंडली आप कमेंट करके बताया करें मुझे, ताकि मुझे पता हो कि मैंने कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है और कहाँ नहीं। यकीन जाने जो हेटर्स होते हैं ना, वही रियल सपोर्टर्स होते हैं। थैंक यू। और हम तकरीबन 9:30-10 बजे हम पहुंच गए थे, और यहाँ मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे हैं, और मैं इन्होंने मेरी नंद ने ना न्यू घर बनाया है, तो मैं आपको सारे घर का विज़िट भी करवाऊंगी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा बना हुआ है और वेल डेकोरेटेड है। हर चीज़ यूनिक है और बहुत अच्छी है। अल्लाह इनको अपने घर में सुकून नसीब करे और बच्चों को भी सुकून के साथ रहना नसीब करे। आमीन। और ये मैंने अपना थोड़ा सा क्लिप बनाया था ताकि आप लोगों को पता चल सके मैंने कौन सा ड्रेस पहना था। और बच्चों ने माशाल्लाह इतना एंजॉय किया, जो इन्होंने एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ था ना, बड़ों के लिए सेपरेट और बड़ों के लिए, बच्चों के लिए थोड़ी सेपरेट जॉयलेंट बनाया हुआ था, बड़ों के लिए अलहदा, मतलब कि बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था। मैं अप्रिशिएट करती हूँ बिल्कुल ऐसा इन्वायरमेंट हो। यकीन जाने बच्चे भी अम्मा लोगों को तंग नहीं करते, सुकून से खेलते हैं, खाते भी हैं और हमें भी खाना देते हैं। यकीन जाने बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था मुझे कि मेरे बच्चे हैं, क्योंकि जहाँ जाते हैं ना बच्चे अम्माओं को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, उनको स्पेशली खाने के टाइम पर तंग करते हैं। और हैट्स ऑफ टू यू आसमा पी इतना अच्छा आइडिया लगाने के लिए। यकीन जाने जब मैंने बालकनी से सामने का नज़ारा देखा ना, मेरा दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो चुका था। इतना अच्छा व्यू यहाँ से लग रहा था ना। सिटिंग एरिया इन्होंने बहुत अच्छा बनाया था ताकि हम भी एंजॉय करें और बच्चे भी एंजॉय करें। Oh, oh, oh.
ये बहुत ही खूबसूरत और यूनिक बनी हुई जो ग्लास ट्रे है ये आप पी ने दूसरी आपी को गिफ्ट दी है, मीन्स दोनों बहनों ने छोटी ने बड़ी को गिफ्ट दी थी, बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह। मुझे इतनी पसंद आई है इवन कि जिसने भी देखी है ना ये मेरे स्टेटस पे, सब ने मुझसे स्पेशली पूछा है कि कितनी प्यारी ट्रे है, ये तुम्हारी है? मैंने कहा नहीं, ये एक बहन का गिफ्ट था दूसरी बहन के लिए। फन इज़ बिगिन नाउ। लाइव बारबेक्यू तकरीबन 11:30 बजे स्टार्ट किया था और मज़ा बहुत आया। यहाँ पे होने लगी है केक कटिंग सेरेमनी। अब्दुल्ला का बर्थडे है, उन्होंने कहा चलो इकट्ठे तो हुए हैं या इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया जाए, वरना बच्चे को गिल्ट रहता है कि हमारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया गया। और साथ पार्सल की भी सहूलत मौजूद थी, क्योंकि जब गरम गरम बारबेक्यू आया हमसे खाया नहीं गया, सो आपी ने पैक करके बारबेक्यू और राइस हमें साथ में दे दिए, क्योंकि खाना ठीक से शायद खाया नहीं गया था, कुछ फ्रेश फ्रेश बारबेक्यू था वो ज़्यादा खाया गया और बाकी चीज़ों को नहीं इतना मतलब टेस्ट किया गया। अगेन थैंक यू सो मच भाई एंड आपी फॉर सच अ प्लेजेंट नाइट, और बहुत ही अच्छा डिनर था, जज़ाकल्लाह खैर। आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, आपका कुछ नहीं जाएगा, किसी का भला हो जाएगा।